मैट्रिक्स बनाना तो हमें आ गया, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक्स होती कितनी टाइप्स की है। तो सबसे पहले अगर मैट्रिक्स के टाइप की बात करें तो सबसे पहला टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। जैसे अगर बात करें कि कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर वो मैट्रिक्स किसी भी फॉर्म में, यानी कि 3x1, 2x1 इन ऑर्डर्स की है, जिसमें लास्ट में 1 आ रहा है, मतलब वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, उसमें एक सिंगल कॉलम होगा। जैसे इस मैट्रिक्स को देखें, 3, 2, 4, इसका ऑर्डर है 3x1, क्योंकि 3 रोज हैं, एक कॉलम है। तो ये हुई कॉलम मैट्रिक्स। फिर आता है रो मैट्रिक्स, सेकेंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सिमिलर, जिस तरीके से इसमें हमने देखा कि कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम था, वैसे ही रो मैट्रिक्स में एक रो होता है, 1x2, 1x3 या 1x2, 1x3, ये सारे रो मैट्रिक्स के फॉर्म होते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, यही एग्जांपल 3, 2, 4, सेम मैट्रिक्स है, यहाँ पे कॉलम थी, यहाँ पे रो मैट्रिक्स हो गई, 1x3, एक रो 3 कॉलम्स। पहली थी कॉलम मैट्रिक्स, सेकेंड थी रो मैट्रिक्स, तो थर्ड होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से समझ में आता है, ये मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स क्या है, अरे अ रेक्टेंगुलर अरे, यानी कि एक रेक्टेंगुलर अरे। तो जितनी भी मैट्रिक्स अभी तक हमने देखी है वो सारी रेक्टेंगल शेप की थी, यानी 3x2, 2x3, 1x3, इन सब में रो और कॉलम दोनों अलग अलग अमाउंट के थे, यानी किसी में 3 रोज थे, 2 कॉलम्स थे, किसी में 2 रोज थे, 3 कॉलम्स थे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत होती है कि उसमें रो और कॉलम दोनों एक बराबर होते हैं। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 3x3 की, 2x2 की, 4x4 की, ये सारी होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, इसके अंदर अगर डेटा फिल करता हूँ, इसमें देखिए 1, 2, 3 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स से या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जो कैलकुलेशन परफॉर्म होती है दोनों में एक जैसे ही होती है। लेकिन फिर भी जैसे कॉलम और रो मैट्रिक्स होती है, वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स का पार्ट होता है, इसलिए इसे समझना ज़रूरी है। फोर्थ टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, सपोज करते हैं वो 3x3 की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर डायगोनली कोई भी नंबर है और बाकी सारी प्लेसेस पे ज़ीरो है, तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। यानी कि एक मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की, 3x3 का ले लिया, 2x2 या फिर 3x2 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 3x2 का एग्जांपल। इन दोनों एग्जांपल्स में देखिए कि जो भी नंबर्स फिल हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ डायगोनली हैं, बाकी सब जगहों पर ज़ीरो है। सिमिलरली यहाँ पे, क्योंकि डायगोनल कंस्ट्रक्ट हम इस तरीके से नहीं कर सकते, डायगोनल डायरेक्ट दो एलिमेंट्स के बीच में होता है, तो 3x2 में फर्स्ट एलिमेंट यानी A11 और A22 पे हमारे नंबर्स रहेंगे, बाकी सब जगहों पर ज़ीरो रहेगा। ये होगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स के बाद में फिफ्थ आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगनल मैट्रिक्स बहुत हद तक सेम होती हैं, यानी कि एक डायगनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स तो हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है एक डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो। जैसे हमने डायगनल मैट्रिक्स में देखा था कि डायगनल मैट्रिक्स में डायगनली जो नंबर्स होते हैं ये पोजिशंस किसी एक वैल्यू से फिल होती है, बाकी सारी पोजीशन ज़ीरो होती है। स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल सेम होती है, बस उसकी कंडीशन क्या है कि अगर डायगनल मैट्रिक्स डायगनली जो नंबर्स फिल हो रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए ज़ीरो, और आई और जे
इक्वल है, यानी आई पोजिशन 3 3, जिस पोजिशन की बात कर रहे हैं हम, अगर ये पोजिशन सेम है तो वहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ए वन वन की बात करें तो वो ए टू टू के बराबर ही होना चाहिए और वो ए थ्री थ्री के बराबर होना चाहिए इस मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल के तौर पर 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। डायगनल मैट्रिक्स सेम डायगनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन वहाँ पे बाउंडेशंस ये नहीं होती कि डायगनली जो नंबर्स हैं वो सेम रहे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये बाउंडेशन ये रूल आ जाता है कि ये जो नंबर्स हैं डायगनली ये सेम रहेंगे, तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। स्केलर मैट्रिक्स के बाद में आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी फिफ्थ फॉर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स, ये तीनों टाइप के मैट्रिक्स एक प्रॉपर्टी शेयर करती हैं कि इनमें जो भी नंबर्स होते हैं वो डायगनली फिल होते हैं। यानी कि ये भी एक तरीके से डायगनल मैट्रिक्स ही होती है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी शेयर करती है। पहली चीज़ तो डायगनली, इसमें सारे नंबर्स डायगनली फिल होंगे, जैसे ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, इन्हीं पोजिशंस पे नंबर होंगे और बाकी पोजिशन जीरो होंगे, यानी कि एक डायगनल मैट्रिक्स हुई। इसकी कंडीशन ये भी है कि ये तीनों वैल्यूज सेम रहेंगी, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी हुई। अब इसमें एडिशनल आ जाता है कि ये तीनों पोजिशंस होंगी वन, यानी कि इन तो तीनों पोजिशंस की वैल्यू होगी वन वन वन। अगर ये वन के अलावा कुछ और है तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, अगर वो इक्वल है तो, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो डायगनल मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी? जब वो तीनों वैल्यूज वन रहेंगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तीनों पोजिशंस पे डायगनली वन है, तो ये हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट टाइप जो होता है वो होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसके नाम से समझ में आता है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स फिल होंगे उनकी वैल्यू सिर्फ जीरो होगी, यानी कि अगर 3x3 या 2x2 की मैट्रिक्स है उन सब की वैल्यू रहेगी जीरो, ये हो जाएगी हमारी जीरो मैट्रिक्स। तो ये थी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टोटल 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं। फर्स्ट होती है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। सेकंड होती है रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो होता है। थर्ड होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। फोर्थ होती है डायगनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगनली कोई भी नंबर्स फिल होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो। फिर आती है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में डायगनली फिल तो होंगे लेकिन ज़रूरी है कि वो तीनों वैल्यूज इक्वल रहे। फिर आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कंपलसरी हो जाता है कि तीनों वैल्यूज रहेंगी वन वन वन। और फिर आती है जीरो मैट्रिक्स, एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स शुड बी जीरो, सारे एलिमेंट्स जो होंगे जीरो होंगे तब वो एक जीरो मैट्रिक्स होगी।